चक्रेप के गुरु चैनल। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कर्नाटका का, दोस्तों कौन बनेगा कर्नाटका का मुख्यमंत्री, इस चीज को लेकर काफी जो है लोगों में जो है टेंशन बना हुआ है। दोस्तों काफी लोग सोच रहे हैं कि आखिर कौन वहां से मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे कांग्रेस तो ऑलरेडी जीत चुकी है दोस्तों, मगर अब जो है कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने का जो है ये लेकर काफी जो है लोग में टेंशन बना हुआ था और काफी लोग जो है नर्वस पड़े हुए थे, काफी किसका जो है सभी लोग का जो है नजर जो कर्नाटक के सीएम के ऊपर था। दोस्तों कौन सीएम बनेगा, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कौन वहाँ से सीएम बनेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 13 तारीख को जब रिजल्ट आया दोस्तों, उसके बाद से बहुमत जब कांग्रेस को जो है भारी वोटों से दोस्तों वहाँ से जो कांग्रेस जीत हासिल की, उसके बाद से दोस्तों वहाँ पे आलाकमान ने ये मान लिया कि जल्दी से वहाँ से जो है विधायक दल के नेता को चुना जाए और उसके बाद से वहाँ पे जो है पता चले किसको जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। और इस चीज को लेकर दोस्तों लगभग 4 दिन हो चुका है दोस्तों और क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर किसको जो है वहां से जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें कई उम्मीदवार जो नजर आ रहे थे इस चीज को लेकर काफी जो है नर्वस हुए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नागपुर से कांग्रेस के एक बड़े नेता को भेजा गया 14 तारीख को दोस्तों, और 14 तारीख को वहाँ पे दोस्तों विधायक दल का बैठक हुआ। विधायक दल के बैठक के बाद से दोस्तों वहाँ पे जो है एक जो है गुप्त मतदान वहाँ पे कराया गया दोस्तों। एक बॉक्स में जो है अगर जो इतने विधायक थे, जिस पार्टी जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं तो उसको वो लोगों ने वोट किया दोस्तों। वहाँ पे वोट देने के बाद से दोस्तों वो जो है बॉक्स सीधा जो है मल्लिका अर्जुन जो कांग्रेस के अध्यक्ष उस बॉक्स को दिल्ली लेकर आते हैं दोस्तों, और वहाँ पे साथ में जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं दोस्तों। और मैं बता दूँ दोस्तों नागपुर से जो जाने वाले नेता थे सुशील कुमार सिंधे जो वहाँ से गए हुए थे दोस्तों कर्नाटका, जो कर्नाटका जाकर दोस्तों ये जो है मतदान वहाँ पे खुद जो है गुप्त मतदान वहाँ पे कराया था दोस्तों। मीडिया के माने तो दोस्तों और ये बॉक्स के हिसाब से दोस्तों मीडिया भी छानबीन चालू कर दिया था दोस्तों, तो वहाँ पे दो उम्मीदवार थे दोस्तों, सिद्धारमैया थे दोस्तों, दूसरा थे वहाँ पे शिव कुमार दोस्तों, ये दो उम्मीदवार थे। तो दोनों उम्मीदवार को जो है वोट किया जा रहा था, दोनों उम्मीदवार में से दोस्तों जो है सिद्धारमैया जो है उनको 80 वोट मिला हुआ था और 50 वोट जो है दोस्तों शिव कुमार को मिला था दोस्तों। बाकी जो कुछ विधायक थे उन्होंने ये पर्ची पर लिखा था कि जो आलाकमान चाहेगा उसको बना सकता है, तो ये लेकर दोस्तों वोट हुआ। और इस चीज को लेकर दोस्तों अभी क्लियर हुआ है कि दोस्तों 2.5 साल जो है दोस्तों सीतारमैया वहां से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लोग का मानना है दोस्तों। कभी क्लियर नहीं हुआ मुख्यमंत्री तो सीतारमैया ये बनने वाले हैं, ये क्लियर हो चुका है, बट ये क्लियर नहीं हुआ कितने दिन तक ये बने रहेंगे। लोगों का मानना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो 2.5 साल ही रह सकते, उसके बाद से शिव कुमार जो है वहां से मुख्यमंत्री फिर से बन सकते हैं दोस्तों। अभी शिव कुमार को जो है डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है और जो है सिद्धारमैया का जो है दोस्तों उनको सीएम वहां से बनाया जा रहा है दोस्तों। ये जो है 20 तारीख को सोनिया गांधी के कॉल के बाद से 20 तारीख को दोस्तों वहां पे होने वाली है, 20 मई 2023 को ये शपथ ग्रहण होने वाली दोस्तों। ये दोस्तों 4 दिन तक इसको उठा पटक होने के बाद से दोस्तों अब जो है जाकर क्लियर हो चुका है, क्योंकि शिव कुमार जी थे काफी अड़ चुके थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, काफी मेहनत इन्होंने भी किया था वहां से, मगर जो है आलाकमान के चलते जो है फिर ये जो पीछे डाउन हो चुका है दोस्तों, और अभी जो है डिप्टी सीएम बनेंगे दोस्तों, और जो है सिद्धारमैया जी जो है वो वहां से मुख्यमंत्री जो है बनेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, चलते मिलते हैं।